सोजी दोस्तों, क्या हालचाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमृत। तो जी दोस्तों, आज मैं आ रखा हूं मुंबई में गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए, लेकिन आज है विसर्जन वाला दिन। तो जी आज सारी ही बाप्पा की मूर्तियां जा रही है विसर्जन के लिए। तो जी चलो चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं सभी बाप्पा की मूर्तियों के, बाप्पा के। तो चलो चलते हैं और सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं यहाँ से लाल बाग से राजा के दर्शन करने। शाम के 5 बज रहे हैं जैसे, और आप अभी का क्राउड देख सकते हो भाई, चारों तरफ का इतना ज्यादा क्राउड है बिकॉज आज बापा की मूर्ति हर कोई विसर्जन के लिए जा रही है। तो हर लोग यार दूर दूर से आ रखे हैं भाई बापा के विसर्जन में शामिल होने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। और इस तरफ होती है कुछ हमारी चेंज पोकलिच राजा की मूर्ति, तो ये भी अभी जा चुके हैं। और अभी गणपति बाप्पा जैसे हमारे लालबाग के राजा हैं वो भाई अभी कुछ इस तरफ हैं, तो अभी ये जाने लगे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, अभी दर्शन करो मुंबई च विघ्नहर्ता के। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति है यार, ये देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा यार व्यू आ रहा है। और अभी का क्राउड दिखाओ ना आपको, ये देखो आप देख सकते हो ये श्रद्धालु कहाँ कहाँ चढ़ के भाई वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए, ओहो बहुत ही बढ़िया भाई, गणपति बाप्पा मोरिया, वाओ मोरिया। तो अब आ रही है बापा की गणराज वाली मूर्ति, आप देख सकते हो कितनी प्यारे व्यूज है यार। और कितने सारे लोग यार यहाँ पे खड़े हैं उनकी वीडियो बनाने के लिए, और क्राउड ही क्राउड है भाई आज तो भाई। और अभी जो लाल बाग से राजा बापा की जो मूर्ति आनी है, अभी उनको 1 घंटा करीब लग जाएगा। तो भाई ये आ रहे हैं अभी बापा की मूर्ति जैसे लाइन वाइज ही। तो दोस्तों दर्शन करो चिंचपोकली चिंतामणि राजा के। तो आप देख सकते हो ये बापा की मूर्ति, और अभी ना यहाँ से ये देखो ये फूल गिराएंगे, ये देखो ये मोरिया, क्या बात है मोरिया। और यहाँ पर आप क्राउड देखो बहुत ही ज्यादा, और आगे चल रहे भाई ढोल नगाड़े। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई कैसे सभी लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। Thank you.
तो ये दोस्तों आप अभी का क्राउड देख सकते हो भाई, कुछ शाम के 7 बजने वाले और क्राउड देखो। और सभी मूर्तियां बापा की जो जा रही हैं अभी गिड़गांव चौपाटी की तरफ जा रही है, जहां पर सभी का बापा का विसर्जन होना है। तो आप देख सकते हो बाकी जितने स्टॉल लगे होते थे भाई बापा के मंडल वगैरह की तरफ से, वो अब सभी मूर्तियाँ बापा की जा चुकी हैं। बाकी लाल बाग से राजा जो हमारे बापा हैं वो भी इसी तरफ हैं। तो चलो चलते हैं अभी हम भी वही देखने के लिए। तो दोस्तों आप दर्शन करो एक और बापा की मूर्ति के। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, और ये खड़ी मूर्ति है बिल्कुल ही, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और ये क्या नाम से है, अंटा पहले चा महाराजा एकता, ओके, बहुत ही प्यारी मूर्ति। बाकी इस तरफ देखें ना हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बापा के पीछे रावण का जैसे 10 मुख वाला जो है वो पूरा बना हुआ है, और बाकी बहुत ही बढ़िया। बाकी इस तरफ ये हल्का हल्का धक्का देते हुए, ओए होए, बहुत ही प्यारी मूर्ति। और अभी ना कंटिन्यू बिल्कुल बैक साइड आ रही है एक के पीछे एक, क्योंकि लाल बाग के राजा जो बापा की मूर्ति है उनके जाने के बाद सारी मूर्तियां आती हैं यहाँ की तरफ, जैसे बाइकला की तरफ है हम। गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया मोरिया, ओ भाई शुक्र है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बापा की मूर्ति है, कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है यार, ओए होए, बहुत ही प्यारी मूर्ति यार, बहुत ही। और कलर भी इतना प्यारा लग रहा है ना, जैसे लाइटिंग भी लगा रखी है इन्होंने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी वो देखो मुकुट के तरफ से वो थोड़ा सा टूट गया लगता है, वो अभी फूल गिरा रहे थे। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी ठीक है, अभी भी अच्छी लग रही है भाई मूर्ति। मुकुट हल्का सा वहाँ से गिर गया है। नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है ये, चलो ये अभी अपने आप ठीक करेंगे, अभी वापसी ले गए भाई। तो दोस्तों इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं लाल बाग महाराज के, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गिरगांव चौपाटी, बिकॉज यहीं से ही सारी गिरगांव चौपाटी पहुँचेंगी बापा की मूर्तियाँ विसर्जन के लिए। तो अभी हमने सोचा कि डायरेक्ट ही हम विसर्जन वाली जगह पर जाएँ और वहाँ की भी वीडियो बनाएं आपके लिए।
तो ये आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग था, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से गिरगांव चौपाटी, जो कि आपको सारी क्लिप्स देखने को मिलेगी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।